भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश के सभी क्षेत्रों के युवा संसद का कार्यक्रम गुरुवार को गोरखपुर क्लब में आयोजित किया गया। कार्यक्रम दो सत्र में आयोजित हुई। पहला सत्र एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर हुआ, जिसे मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा सुभाष यदुवंश ने शुभारंभ किया। दूसरे सत्र के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने भारतीय विकास के अवसर पर एवं चुनौतियां विषय पर चर्चा किया। कार्यक्रम में तीन प्रकार के युवाओं को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विशेष ख्याति अर्जित की है, उन्हें यूथ आइकॉन, युवा जनप्रतिनिधि तथा छात्र संघ के पूर्व वर्तमान पदाधिकारियों, खिलाड़ियों जैसे विशेष युवा को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी 11 सांगठनिक जिलों से कुल मिलाकर 550 युवा इस युवा संसद के महाकुंभ का हिस्सा बने। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं की लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था में अरुचि उत्पन्न करने के साथ ही उन्हें इस बात की अनुभूति कराना है कि वो भी इस संसदीय व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा संसद के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महेंद्र नाथ पांडे और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा सुभाष यदुवंश का आयोजकों द्वारा पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सह संयोजक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ संतोष जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा सूरज सोमवंशी, प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा रणजीत राय, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सत्येंद्र सिन्हा अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान रहे। कार्यक्रम में अतिथियों ने अपने अपने संबोधन में कहा, दुनिया में कितनी बड़ी मेरा स्वागत है, ताली बजाकर माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी का स्वागत करें। महेंद्र नाथ पांडे जिंदाबाद। इसके साथ मैं प्रथम सत्र के समापन की घोषणा करता हूँ। भैया आप इतना बेकार कर देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, जैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ मंदिर का मामला नहीं, जो रामचंद्र भूमि का मामला है, ये मंदिर का मामला नहीं है। अगर किसी धर्म के, किसी भी दुनिया में धर्म के सबसे बड़े जो भगवान हैं, जिनको लोग मानते हैं, जैसे पैगंबर साहब हैं, अगर उनके जन्म स्थान नहीं होता और मुस्लिम समुदाय या पारसी समुदाय, ईसाई समुदाय आके कहता कि हमारे सबसे बड़े भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं, उनके जन्मभूमि का मामला है, तो हिंदू इतना उदार होता है, इतने विशाल हृदय का होता है कि वो कहता ठीक है, हमें जमीन दे रहे जाओ, तुम अपना अपने भगवान का वो बना लो। ये मंदिर का मामला नहीं है। मंदिर तो एक छोटी सी बात है मित्रों, मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जन्मभूमि का मंदिर है वो बिल्कुल अलग है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनको आचरण और व्यवहार पे मानकर हम लोग राजनीति करते हैं, उनका जो मंदिर है वो गर्भगृह पर ही बनेगा। न एक इंच इधर बनेगा, न एक इंच उधर बनेगा, वही बनेगा जहां पर गर्भगृह। बहुसंख्यक के समाज की आस्था और उनके हृदय में निवास करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर हम लोग आकर के बनाएंगे। ऐसे मुस्लिम भाइयों को आगे आकर के पहल करनी चाहिए। और भगवान श्री राम विलाप कर रहे थे, हनुमान जी से देखा नहीं गया, उन्होंने किसी से पूछा कि क्या कर सकते हैं, क्या उपाय है लक्ष्मण जी को बचाने का, तो किसी ने कहा कि अब पूरे दुनिया में एक ही उपाय है, तीनों लोगों में एक व्यक्ति है जो लक्ष्मण जी को आराम कर सकता है, वो वैद्य सुषेण। तो बोले उनको लाया कैसे जाएगा, बोले वो लंका में आप ही उनको ला सकते हैं।
तो हनुमान जी जिस प्रतिभा के धनी थे वो गए और उनको वायु मार्ग से उठा करके ले आए और ला करके जहां लक्ष्मण जी का मूर्छित शरीर रखा था वहां पर रख दिया। रामचंद्र जी विलाप कर रहे थे, उन्हें लगा कि हनुमान जी किसी को लेकर के आए हैं, तो उन्होंने देखा तो सुसेन ने उनकी तरफ याचक दृष्टि से देखते हुए कहा कि मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा लंकापति को यदि लक्ष्मण को आराम करूं, चिंतित हूं मैं कैसे ये कर्म किया जाए, हे राम तुम आज्ञा देते हो ये अधर्म किया जाए। तो रामचंद्र जी क्या उत्तर देते हैं इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं ये बात क्यों सुना रहा हूं आपको, ये इसलिए सुना रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के लोग बाबर की वकालत करते हैं और ये राजनीति की बात करते हैं, ये इस युवाओं की बात करते हैं जो लोग सत्ता के लिए मन से अपने बाप को धक्का दे देते हैं, ऐसे बाबर के अनुयायियों और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बहुत फर्क है। हम राम के वंशज हैं, अगर पिता की नजर टेढ़ी हो जाए तो 14 साल के लिए सब कुछ छोड़कर वनवास चले जाते हैं, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और भगवान श्री राम तब क्या कहते हैं सुसेन को, जिस धर्म पे अपना राज किया, जिस धर्म पे अपना राज किया, पिता श्री का मरण हुआ, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म संत की बेड़ी पर लक्ष्मण मरता तो मर जाए, अधर्म नहीं होने पाए, अधर्म नहीं होने पाए। आदरणीय रणजीत राय बड़े जी की अध्यक्षता में आयोजित इस युवा संसद के प्रथम सत्र के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुभाष यदुवंश जी, सभी युवा मोर्चा के प्रदेश के क्षेत्र के पदाधिकारी का विभिन्न जनपदों से यहाँ एकत्रित युवा नेतृत्व करने वाले आदरणीय कार्यकर्ता भाइयों, युवा जनप्रतिनिधि, आदरणीय बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार के तरफ से गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर मैं आप सभी युवा नेताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं और आपका मैं अभिनंदन करता हूं। आज का ये युवा एकत्रीकरण गोरखपुर के इतिहास में, पूर्वांचल की राजनीति में, उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में एक नया संदेश देगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विकास और चुनौतियां जो पहला सत्र था जिसकी समापन के लिए मैं खड़ा हूं, आप सब 2014 से 2018 के आज 29 नवंबर की तारीख तक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते 2014 के पहले 2004 से 14 और 2014 से आज तक के बीच में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद और मनमोहन सिंह के समय में जो परिस्थितियां थी उनकी तुलना करें, आज विकास अगर मात्र पूर्वांचल की ही बात की जाए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्षों से बंद खाद कारखाने का शुभारंभ किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूर्वांचल को गोरखपुर में एम्स मिला, आज गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग, गोरखपुर सरौली राजमार्ग पूज्य योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज गोरखपुर का जो सर्वांगीण विकास, पूर्वांचल का विकास आज
देवरिया के मेडिकल कॉलेज विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की आज और इस पवित्र स्थान पर गुरु गोरक्षनाथ जी की, गुरु गोरक्षनाथ जी की मित्रों आज युवा संसद के इस द्वितीय सत्र प्लस समारोह सत्र भी है। गांव में युवा मोर्चा को दिए गए टास्क पर मुझे बताया गया है कि ये पांचवा युवा संसद सम्पन्न हो रही है। आज के मौके पर एक राष्ट्र एक चुनाव और भारत में विकास के अवसर और चुनौतियां, इन दोनों को मेरे जिले रूप में रखने की बात आई है मेरे सामने। और इसके पूर्व अनेक लोगों ने इन विषयों को रखा होगा। मैं इन दोनों विषयों पर केंद्रित रहते हुए कि प्रश्नोत्तर के बाद समारोह जैसा कोई भाषण नहीं, इसलिए उसको भी समेकित कर दूंगा, है ना। हाँ, तो इसलिए तो इन दो विषयों में समापन के भी पुत्र डालने पड़ेंगे। तो मैं आपको एक राष्ट्र एक चुनाव पर आने के पहले मैं बिल्कुल अलग प्रकार से कुछ चीजें रखना चाहता हूं। आप लोग युवा संसद के रूप में कार्यक्रम कर रहे हैं, बात आवाज ठीक से आ रही है ना? जी, आ रही है। कहीं गूंज तो नहीं रही है? आपके मन में भी संसद की परिकल्पना होगी तो मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा। और चूंकि मैं वर्षों से जुड़ा हूं गोरखपुर क्षेत्र पार्टी की वर्किंग से, तो मैं जिले का किसी जिले का नाम ले लूंगा, अगर वो सवाल का जवाब दे पाएंगे तो, क्योंकि आप बाद में प्रश्न उत्तर करिएगा, मैं पहले खुद ही प्रश्न उत्तर कर देगा। संसद के अंदर मैं संसद विधानसभाओं से जुड़ा सवाल, संसद में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, मऊ से कोई बताए। एक नॉमिनेशन होता है उसको लेके 500-400। अब आप आजमगढ़ जिले से बताएंगे कि संसद के अंदर राज्यसभा में राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वह कौन होता है आजमगढ़ से। राज्यसभा के संचालन के लिए राज्यसभा में एक और उसके नीचे दायित्व होता है, उसको 10-12 का पैनल होता है, लोकसभा में भी होता है। उसको क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है ये बलिया के लोग बताएं। उपसभापति, आपने आधा उत्तर सही दिया, मैंने पैनल कहा लोकसभा से, नहीं सही उत्तर। अच्छा, बलिया तो आजाद पहले हो गया था हिंदुस्तान में, यहाँ प्रयोग करते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष करते हैं, केवल कोई बड़े एजेंडे को अडॉप्ट करने के लिए संचालक होते हैं। अब आप में से मैं उसी नगर से सवाल कर रहा हूं, लोकसभा के अंदर संसदीय समितियां होती हैं, उनकी रचना के बारे में कुशीनगर को कुछ मालूम है? कुशीनगर से जो बोले स्टैंडिंग कमेटी, हाँ सब अच्छा चीज, स्टैंडिंग कमेटी।